बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो आज सुबह 11:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे, जहां से वो राजौरी जाएंगे और हमले वाली जगह पर जाकर जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री कमांडरों के साथ बैठक करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी रक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। दरअसल पुंछ में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है और इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये आज का दौरा है। इस दौरे से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। अपने दौरे में राजनाथ सिंह सोलवी कोर मुख्यालय में सैन्य कमांडरों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा के हालात की समीक्षा करने वाले हैं। इलाके में तैनात कमांडर आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की विस्तार से जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। आम लोगों से भी मुलाकात रक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति भी इलाके का दौरा करने वाली है। यहां आपको बता दें कि 21 दिसंबर को सुरनकोट के सवानी इलाके में आतंकी हमला हुआ था। 21 दिसंबर को हुए हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले सोमवार को सेना प्रमुख ने डेरा की गली का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर सेना के कमांडरों के साथ बड़ी बैठक की और इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्हें आतंकवादी विरोधी अभियान और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। और पुंछ में आतंकी हमले होने के बाद घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बढ़ा दी गई है, बड़ी कड़ी कर दी गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं, लिहाजा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। एक बार आपको घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से तारीख दर तारीख चीजें बताते हैं, कब यह घटना हुई, कब कहां घटी है यह घटना, उसके बाद क्या हुआ है, तो जरा देखिए। हम शुरुआत करते हैं 20 दिसंबर से। पुंछ का डेरा गली में रात से ही सेना का सर्च ऑपरेशन यहां जारी था। इसी तारीख को कैसे दोपहर 3:45 पर सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर फायरिंग हो जाती है। डेरा की गली इलाके से वो निकल रही थी, घात लगाकर आतंकी बैठे हुए थे और ब्लैक स्पॉट पर उन्होंने फायरिंग की। कैसे यहां पर उन्होंने फायरिंग की और उसके चलते हमने अपने 4 जवानों को खो दिया। 20 दिसंबर की ये पूरी घटना है 3:45 की। इसके बाद आप आइए 2 दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को एनआईए पहुंचती है और यहां पुंछ हमले की जांच शुरू कर दी जाती है। इसके बाद 23 दिसंबर को राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद की गई क्योंकि लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था आतंकियों की ओर से। 24 दिसंबर को शहीद जवानों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई। 25 दिसंबर को सेना प्रमुख ने घटनास्थल का दौरा किया, जायजा लिया, जानकारी ली और 26 दिसंबर को सीआरपीएफ के अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं और इनके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण जब रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं।